आज हम बना रहे हैं कच्चे कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी को कुछ अलग स्वाद देने के लिए, कुछ अलग तरीके से बनाने के लिए मैंने इसे आलू के साथ बनाया है। तो चलिए आज इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सब्जी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो कटे हुए कटहल, ये कच्चा कटहल है और इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। और जैसे ही कटहल को काटें, इसे हल्दी के पानी में डुबो के रखें और जब सब्जी बनाना हो तो इसे छान लें, नहीं तो कटहल काले पड़ जाते हैं। साथ ही में मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के आलू। आलू का छिलका मैंने नहीं निकाला है, आप चाहे तो इसका छिलका भी निकाल सकते हैं। आलू को काटने के बाद मैंने पानी में भिगो के रखा है, नहीं तो आलू भी काले पड़ जाते हैं। उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 3 सूखी लाल मिर्च, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। कटहल की सब्जी के लिए मसाले का बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 प्याज कटे हुए, 2 प्याज जैसे मैंने बारीक काट के लिया है, इसे हम फ्राई करेंगे और 1 प्याज को हम पीसेंगे। साथ ही में लिया है 2 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियां लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1.5 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग की कलियां, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 3 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके स्वाद के अनुसार और गरम मसाला पाउडर वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज करें या ना भी कर सकते हैं। नमक चाहिए हमें स्वाद के अनुसार। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में हमने जो मसाला पीसने के लिए रखा है उसे डाल देंगे। जैसे 2 प्याज जो हमने काट के रखा है उसे अलग रख लेंगे और सारे जो मसाले बाकी है उसे हम ग्राइंडिंग जार में पीसने के लिए डाल देंगे। ऐसे सभी चीजों को ग्राइंडिंग जार में डाल दें, उसमें 1 चम्मच पानी मिला लें और इसका पेस्ट बना लें। हमारा पेस्ट बनके तैयार है, इसे एक अलग कटोरी में हम निकाल के रख लेंगे। इसके बाद हमने जो आलू काट के रखे थे उसमें ऐसे हल्के हल्के से छेद कर लेंगे ताकि नमक और मसाले आलू के अंदर तक अच्छी तरह से जाए और ये खाने में स्वादिष्ट लगे। कुछ इस तरह से इसे हम छोटे छोटे छेद कर देंगे इसमें। फिर आलू में हम 1/4 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी भी इसमें मिला देंगे। हल्दी और नमक को आलू के ऊपर अच्छी तरह से रब करें ताकि हल्दी और नमक की एक कोटिंग आलू के ऊपर आ जाए। मैं इस सब्जी को प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो एक कुकर को गैस स्टोव के ऊपर रखें और गैस स्टोव ऑन करें। जैसे ही कुकर पूरी तरह से गर्म हो जाए उसमें हम 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें और जैसे ही तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए इसमें हम जो आलू को हल्दी और नमक लगा के रखा था वो इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करके निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे कटहल के साथ। इसे बीच बीच में चलाते हुए आलू को 5 से 6 मिनट तक आप फ्राई कर लें। आलू को हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर आ जाए, ब्राउनिश एक कलर आ जाए तो ये देखने में अच्छे लगते हैं और सब्जी भी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। बाद में हम इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे। जैसे ही आलू चारों तरफ से हल्का ब्राउन हो जाए फिर हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। सारे आलू अभी हमने निकाल दिए हैं और इसी तेल में हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गरम तेल में सूखी लाल मिर्च डालेंगे। सूखा लाल मिर्च सबसे पहले डालने से ऑयल में इसका फ्लेवर पूरी तरह से आ जाता है और सब्जी को एक यूनिक टेस्ट मिलता है। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज को हमें जलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को अच्छी तरह से पकाने के लिए और जल्दी से पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस और भी फास्ट हो। चलाते हुए थोड़ी देर और इसे भूनेंगे। जब
जब प्याज पूरी तरह से भुन जाए फिर हमने जो मसाले का पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें मिला देंगे और मसाले को जलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। जब तक कि मसाले के साइड में से ऐसे तेल दिखने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर मिला देंगे, साथ ही में लाल मिर्च डाल दें आपके स्वाद के अनुसार। उसी के साथ ही धनिया पाउडर डालें। मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाला है ताकि ग्रेवी को एक अच्छा सा बेस मिले। सभी सूखे मसालों को चलाते हुए थोड़ी देर और भुनें। अभी सारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इस स्टेज में हम इसमें कटे हुए कटहल डाल देंगे। कटहल डालने के बाद इसे चलाते हुए थोड़ी देर हम भूनेंगे, क्योंकि पहले से हमने कटहल को फ्राई नहीं किया है। हम इसे अभी मसाले के साथ ही अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेज में हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, पर ध्यान में रखेंगे कि जब हमने प्याज को फ्राई किया था तब भी उसमें नमक डाला था और आलू को फ्राई करते हुए भी उसमें नमक डाला था, इसीलिए कटहल के लिए जितना नमक की जरूरत है हम उतना ही नमक इसमें डालेंगे। जब कटहल अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें हम फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा हमें इसे और भूनना है। उसके बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। मैं इसे यहाँ पे थिक मसाले वाली बना रही हूँ कटहल की सब्जी को। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ग्रेवी इसमें रख सकते हैं, उसके लिए आपको 1.5 ग्लास पानी की जरूरत होगी। पानी को भी अच्छी तरह से मिला लें। और जैसे ही हल्का सा उबाल आने लगे कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हम 1 सीटी आने देंगे और फिर हम गैस स्टोव की फ्लेम को लो पे कर देंगे। फिर इसे 5 मिनट हम पकने देंगे। कभी कभी ये डिपेंड करता है कटहल की क्वालिटी के ऊपर कि ये कितनी देर में पकेगा। तो जब आप ढक्कन पूरी तरह से स्टीम रिलीज हो जाए फिर आप ढक्कन खोलें और एक बार चेक कर लें कि कटहल अच्छी तरह से पका है कि नहीं। अगर नहीं पका है तो दोबारा और 2-3 मिनट इसे पका लें। पर मेरे यहाँ कटहल पूरी तरह से पक चुका है। इस स्टेज पे आप चाहें तो गरम मसाले का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कटहल की सब्जी में से, इसीलिए इसमें गरम मसाले की जरूरत ही नहीं है। पर आप चाहें तो स्टेज में डाल के 1 मिनट तक और इसे पका सकते हैं। इसे सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। आप इस सब्जी को रोटी पराठा या फिर राइस और दाल के साथ सर्व करें। और मेरी रेसिपी को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।